वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एंड स्टिचिंग। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन बहनों के लिए जिनको बिल्कुल भी कटिंग करना नहीं आता। तो इस तरह से हमने जो है स्लीव्स की कटिंग करनी है बहुत ही इजी तरीके से। मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है इजीली स्लीव्स कट कर सकती हैं। तो इस तरह से आपने जो है फैब्रिक कट करने से पहले आपने इस तरह से कोई भी रफ़ पेज ले लेना है, उसके ऊपर आपने जो है सारे निशान लगा लेने हैं। ऊपर से हमने इस तरह से हाफ इंच या एक इंच जो है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे, नीचे से एक या डेढ़ इंच का। और यहाँ से हमने जो है चौड़ाई इसकी ले लेनी है 3 इंच तक, ठीक है, आपने जितनी भी लेनी हो। ऊपर से हमने इसकी 5 इंच तक चौड़ाई ले ली है और यहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है, ये देखिए यहाँ से लेकर। और इसको हमने अब निशानों को मिला लेना है और यहाँ से आपने नोट कर लेना है कि मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि ये आपने तिरछी लाइन क्यों लगानी है। इसको आपने सीधा नीचे नहीं लेके आना, तिरछी लाइन इस तरह से लगाते हुए इसके ऊपर ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने अब इसकी 5 इंच तक इस तरह से हमने इसका साइज़ लेना जितना हमने इसको रखना था, तो 5 इंच तक रखना था और 1 इंच एक्स्ट्रा हमने ले लिया है, ठीक है। इस तरह से ये देखें 1.5 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा ले लिया और इस तरह से हमने जो है इसको सीधी लाइन इस तरह से लगाते हुए ऊपर को इस तरह से इसकी शेप दे देंगे। ये देखें इस तरह से आपने भी इस तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। पेज के ऊपर पहले आपने अच्छी तरह से इसको ड्रॉ करके फिर इसकी कटिंग करनी है। फिर आप इसको जब कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी कटिंग आएगी, आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से अब हमने जो है इसकी कटिंग कर लेनी है, जिधर जिधर हमने निशान लगाए हैं वहाँ वहाँ हमने इस तरह से करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जी इस तरह से हमने जो है कटिंग मुकम्मल कर ली है। तो ये देखिए अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये निशान क्यों लगाया है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से जब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे तो ये अंदर को हमारा जो है कपड़ा है तो पूरा नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा जो है फैब्रिक पूरा नहीं आया। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से इसको मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है। तो अब आपने कपड़ा लेते हुए इसके ऊपर इसको रखना है और इसको खोल के रखना है आपने, ताकि जो फोल्डिंग वाला मार्जिन है वो भी हमारा सारा इसके अंदर आ जाए। तो इस तरह से करते हुए हमने इसको ऊपर ऊपर इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, जिस तरह से हमारी शेप आई है स्लीव्स की उसी तरह से हमने इसको इस तरह से सारे निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जी इस तरह से हमने जो है सारे निशान लगा लेने हैं अच्छे तरीके से। आपने क्या करना है खरगे के साथ जो है वो निशान लगाने हैं या चौक वगैरह के साथ, पेन के साथ आपने निशान नहीं लगाने, फिर आपकी जो है वो पेन के निशान कपड़े से उतरेंगे नहीं। तो इस तरह से करते हुए ये देखिए हमने जो अब तिरछी लाइन लगाई थी ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन आपने लेते हुए इस तरह से कटिंग की है। अब आप इसका फ़र्क देखेंगे कि आपको ये कटिंग क्यों ज़रूरी करनी है। तो जी इस तरह से हमने इसको पहले ऊपर से सारा जो जहाँ जहाँ हमने ये निशान लगाए थे वहाँ वहाँ कट कर लेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। तो ये देखिए इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा है तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने जो है कट लगा लेना है, दरमियान बना लेना है इसका। और यहाँ से अब हम इसकी जो है फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इस तरह से हमने जो है 1.5 इंच का कपड़ा ऊपर से छोड़ते हुए मिड जहाँ से आता है तो यहाँ से हमने जो है ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है और थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा अंदर को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से स्लीव्स की कटिंग जो है मुकम्मल हो गई है। तो इस तरह से अब हमने जो है पफ स्लीव्स जो है वो कटिंग करना बताना है आपको। तो आपने इसको भी गौर से देख लेना है कि किस तरह से इसकी कटिंग होती है। बहुत ही इजीली है, जिन बहनों को बिल्कुल भी जो है कटिंग नहीं करनी आती वो ज़रूर देखें। तो वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, फिर आपकी जो पॉइंट होते हैं छोटे छोटे वो रह जाते हैं तो आपको फिर समझ नहीं आती। तो इस तरह से आपने इसकी भी जो है पेज के ऊपर ही कटिंग करनी है। अगर आपके पास ज़्यादा पेज नहीं है चौड़ाई इसकी तो आपने क्या करना है एक ही पेज ले लेना है और एक साइड की जो है कटिंग कर लेंगे। फिर बाद में हम जब इसको फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करेंगे तो हमने जो है डबल जो है फैब्रिक ले लेना है। तो इस तरह से हमने जो है पहले निशान लगा लेने हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने जो है चौड़ाई के नीचे से निशान लगा लेने हैं जितना आपने नीचे से चौड़ा रखना है। और ये देखिए 1/2 इंच वही आपने जो है निशान लगा लेना है। ऊपर से आपने जितना स्लीव्स रखना है ये देखिए यहाँ तक हमारा जो है मेन स्लीव्स यहाँ तक है हमारा, ये जो है मैंने निशान लगाया है 5 इंच का, 6 इंच का तकरीबन मैं निशान लगा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है 6 इंच का जो है लगाते हुए निशान, तो ये हमारा मेन पार्ट जो है स्लीव्स का। ऊपर से हमने जो है वो सारी चुनट आ जाएंगी। तो जी इस तरह से अब हमने जो है इन निशानों को आपस में मिला लेना है।
तो सीधी लाइन लगा लेंगे। और साइड वाला जो मार्जिन है वो भी कटिंग में जो सिलाई में आएगा वो भी हमने जो है पहले ही कटिंग में रखना है। फिर आपने जो है इसको फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। इस तरह से हमने जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक पहले हम आपको इसकी कटिंग करके बताते हैं ताकि आपको जो है ईजीली समझ आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा जो है नॉर्मल स्लीव जो मैंने आपको पहले भी कट करके दिखाया है उसी तरह से हमने जो है इसको कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। ऊपर से अब हमने जो है वो चुनट के लिए इसको रेडी करना है। तो कैसे करेंगे, निशान लगाएंगे इसके। ये देखिए यहाँ से हमने इसको रखते हुए इस तरह से 2.5 इंच पर हमने एक निशान लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया और सीधी लाइन जो है बिल्कुल नीचे तक ले आएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारे स्लीव्स के ऊपर ऊपर वाले जो पार्ट है उसके ऊपर इस तरह से सीधी लाइन लगा लेनी है। और यहाँ से हमने जो है ये देखें इसको बिल्कुल सीधी लाइन जब लगा लेंगे तो जैसे राउंड में नेक की कटिंग करते हैं उसी तरह से सेम हमने इसको राउंड में यहाँ से कर लेना है। और ऊपर से हमने जो है ऑपोजिट ये देखें इस तरह से राउंड में लाते हुए ऊपर को ले जाना है, ठीक है। जितना हमने ये देखें इसका फासला आया है, ये देखिए आप इसका 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ से हमने लेना है। 1.5 इंच का आप यहाँ से भी निशान लगा सकती हैं। अगर आप फैब्रिक के ऊपर कट कर रही हैं तो आप जो है खरिए के साथ कट करना ताकि ये जो निशान है हमारे फैब्रिक के ऊपर ना आए पैन के। तो इस तरह से हमने जो है इसको शेप दे देनी है और फिर ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारी जो है कटिंग हो जाएगी और यहाँ से अब हम इसको चुनट वगैरह डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जो है जितनी हमारी जो है फैब्रिक है जितनी चुनट आए 3 से 4 5 जितनी भी आ जाएंगी, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा स्लीव बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपने जो है साइज़ कर लेना है, 6 इंच तक हमें चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमारा आ गया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।